हेलो दोस्तों, जी टीवी के पॉपुलर शो रब से है दुआ में एक न्यू एंट्री होने वाली है, वो भी एक पॉपुलर एक्टर की, और इस सीरियल में लेप भी आने वाला है। सारी डिटेल्स जानेंगे हम इस वीडियो में। रब से है दुआ सीरियल की टाइमिंग भी चेंज हो चुकी है। ये हमें जी टीवी पर रात 10:30 बजे देखने के लिए मिलता है। इसमें हमें ऋचा राठौर विलन के रोल में देखने के लिए मिलती हैं, और साथ ही इसमें करणवीर शर्मा और अदिति शर्मा हमें लीड हीरो हीरोइन के रोल में देखने के लिए मिलते हैं। इनकी जोड़ी फैंस को काफ़ी पसंद भी आती है। दोस्तों, रब से दुआ सीरियल में 6 महीने का लीप आने वाला है, और लीप के बाद इसमें एक नए हीरो की एंट्री होने वाली है। उसके लिए धीरज धूपर को अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों धीरज धूपर अब किसी भी टीवी शो में हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। कुंडली भाग्य के बाद शेरदिल शेरगिल भी फ्लॉप गया, और सौभाग्यवती भवा का सीज़न 2 भी फ्लॉप गया। और वैसे भी अब वो सिर्फ वेब सीरीज और OTT प्रोजेक्ट ही साइन करते हैं, वो कोई भी टीवी शो नहीं करना चाहते हैं। धीरज धूपर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक्टर हैं, और वो रब से दुआ शो के लिए अप्रोच भले ही किए गए हैं, लेकिन वो इसमें एंट्री नहीं लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या धीरज धूपर को अप्रोच किया गया है तो वो ये प्रोजेक्ट साइन करेंगे, इसके लिए हाँ करेंगे या फिर नहीं करेंगे? मेरी राय है कि ये हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ OTT प्रोजेक्ट ही करेंगे या मूवीज़ में काम करेंगे, TV शो पर काम नहीं करेंगे। तो रब से दुआ शो में लीप भले ही आ जाए, इसकी स्टोरी चेंज हो जाए और TRP भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन इसमें धीरज धूपर की एंट्री नहीं होगी। सभी शो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू।